Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है शौरी. आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पाउडर ब्लश ब्रॉन्जर कॉन्टोर और हाईलाइट कैसे किया जाता है. टेक्निक टिप्स ट्रिक्स सब कुछ एक ही वीडियो में. और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये फ्लॉलेस बिगनर फ्रेंडली मेकअप कैसे किया जाता है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ चेक इट आउट. सो अभी बेस मेरा हो चुका है, फाउंडेशन कंसीलर सेटिंग पाउडर सब कुछ लग गया है. अभी तो फेस बहुत फ्लैट दिख रहा है, तो अभी हमारे जो फेस के कॉन्टोर्स है, जो शेप है, उसको एनहांस करने के लिए क्या करेंगे वो भी देखते हैं. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टोरिंग से. कॉन्टोरिंग होती क्या है? कॉन्टोरिंग मतलब हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है उसको हम और एनहांस करते हैं मेकअप से. जब आप कोई कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तो मेक श्योर कि उसका जो अंडरटोन हो वो ग्रे हो, क्योंकि कॉन्टोर मतलब एक शेडो होता है जो हमारे फेस पे, तो उसके लिए हम वार्म कलर्स नहीं यूज़ कर सकते. सो आज मैं यूज़ करूँगी मेकअप गीक का कॉन्टोर पाउडर इन हाफ हार्टेड, और ब्रश के लिए PF 12. ये छोटा सा मीडियम कॉन्टोर ब्रश है. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे हल्के से. अगर एक्सेस है आपके ब्रश पे तो टैप कर दीजिए. आपको एक ही स्ट्रोक पे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है. चीक बोन्स को कॉन्टोर करने के लिए ये जो आपका ईयर है वहाँ से स्टार्ट करके आपको लिप के डायरेक्शन में आना है. अगर आपको पता नहीं है कि आपका चीक बोन है कहाँ, तो आप फिशी फेस बना सकते हैं ऐसे. तो ये पार्ट आपका चीक बोन है, और एल्स आपका हैंड ऐसे करके जो थंब है उसको ईयर के ऊपर लेके और लिप्स के कॉर्नर तक आप इंडेक्स फिंगर लगा सकते हैं. तो ये जो पार्ट है ये आपका कॉन्टोर पार्ट. तो हमने प्रोडक्ट को ब्रश पे ले लिया है. और इस तरीके से डैब करते हुए हम प्रोडक्ट को चीक बोन्स में लगाएंगे. मेक श्योर कि आपका जो एकदम हेयरलाइन पार्ट है वहाँ से आप स्टार्ट करें. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो बहुत ही अननेचुरल लगेगा. आपने स्टार्ट तो कर लिया है मगर कॉन्टोर ख़त्म कहाँ करें? सो यूजुअली कॉन्टोर आइज़ का जो ये एंड है वहाँ तक ही ख़त्म हो जाना चाहिए. आप टेम्पल्स में भी आपका कॉन्टोरिंग कंटिन्यू करिए. सो आपको दिख रहा होगा कि ये चीक बोन का जो शेप है वो एनहांस हो रहा है. सेम कॉन्टोर को लेके आप जॉ लाइन में भी इसे यूज़ करिए. इससे आपको जॉ लाइन में शैडो आएगा और आपका जो डबल चिन है वो ढक जाएगा. अगर आपका फोरहेड बहुत ही बड़ा है आप ऑफकोर्स आपके फोरहेड को भी कॉन्टोर करिए. मैं यूजुअली मेरा फोरहेड कॉन्टोर नहीं करती बिकॉज मेरा फोरहेड बहुत ही छोटा है. फेस कॉन्टोर हो चुका है, अब हम कॉन्टोर करेंगे नोज़. नोज़ कॉन्टोर करना भी बहुत ही आसान है बट थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है. सो नोज़ कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वेगा का आई ब्रश और सेम कॉन्टोर पाउडर. थोड़ा सा लेके हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो ये नोज़ का ब्रिज है जहाँ पे ये आईब्रो कनेक्ट होता है वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दीजिए और यहाँ पे स्ट्रेट. मेक श्योर यहाँ पे भी आप आपका कॉन्टोर कनेक्ट करिए. अगर आपके नॉस्ट्रल भी वाइड है तो आप उसको भी कॉन्टोर कर सकते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा शैडो लगा के. तो बेसिक कॉन्टोरिंग ऑफ द फेस हो चुका है, अब हम आएंगे ब्रॉन्जर पे. सो ब्रॉन्जर के लिए मैं यूज करूंगी LA गर्ल प्रो फेस पाउडर इन द शेड चेस्टनट और एक ऐसा फ्लफी ब्रश. ब्रॉन्जर्स आपको मार्केट में बहुत अलग अलग फिनिशेस में मिलेंगे, जैसे कि शिमरी हो, सैटिन हो, मैट हो. मुझे सैटिन और मैट यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे बहुत नेचुरल फिनिश मिलती है. सो जस्ट थोड़ा सा लेके टैप करके और जहाँ आपने कॉन्टोर लगाया था उसी के ऊपर लाइट हैंड से यू कैन यूज़ द ब्रॉन्जर. और आप फोरहेड पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और साइड में भी. सो
सो आपको भी दिख रहा होगा फेशियल स्ट्रक्चर कैसे चिजल्ड और एनहेंस दिख रहा है। ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी ये मिस क्ले का ब्लश इन द शेड 12 और ये रियल टेक्निक्स का ब्लश ब्रश। ब्लश के लिए आप हल्का सा स्माइल करिए और एप्पल्स ऑफ द चीक में प्रेसिंग मोशंस से लगाइए। मैं कभी कभार यहाँ पे भी ब्लश, जो बचा हुआ ब्लश है ब्रश पे, वो भी कनेक्ट कर देती हूँ तो वो नेचुरल फ्लश सा सनकिस्ट लुक देता है। ब्लश ब्रॉन्जर कॉन्टोर तो अब हो चुका है, अब बारी आती है द एक्साइटिंग पार्ट जो है हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन मास्टर क्रोम इन द शेड मोल्टन गोल्ड। ये तो बाय गॉड सबके पास होना चाहिए, इट्स वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइटर्स इन द मार्केट। हाइलाइट हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे ये हाइएस्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे भी आपको समझ आएगा कि एक बोन है तो वहाँ पे हाईलाइट लगेगा। और हाईलाइट लगाइए ऐसे राउंड सर्कुलर मोशंस में, सो जो एजेस है हाइलाइटर के वो भी बहुत ही एक नेचुरल फिनिश देगा। मेक श्योर अगर आपको कहीं पे यहाँ पे एक्ने हैं, कुछ अनइवन टेक्सचर है, तो वहाँ पे हाईलाइट बिल्कुल मत लगाइए। चिन पे भी, और अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप थोड़ा यहाँ पे भी लगा सकते हैं सन किस्ट लुक के लिए। नोज हाईलाइट करने के लिए मेक श्योर कि आप एक छोटा ब्रश यूज करें। ऐसे अगर आपका हाईलाइट ब्रॉड रहेगा तो हमने जो ये कॉन्टोर किया है नोज को स्लिम दिखाने के लिए, वो स्लिम नहीं दिखेगा। और थोड़ा नोज के टिप पे भी और आईज के इनर कॉर्नर पे भी, और सेम हाइलाइटर ब्राउ बोन पे करके आप आपका चीक बोन हाइलाइटर और ब्राउ बोन हाइलाइटर कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ड्यूई और ग्लॉसी लुक मिलता है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपका हाइलाइटर पैची लग रहा है, ब्लेंड ठीक से नहीं हुआ है या तो ज़्यादा लग गया है, तो आपका पाउडर ब्रश लेके वो एरिया में थोड़ा ब्लेंड कर दीजिए। अगर आप बिगनर हैं, होप यू लाइक दिस वीडियो, कुछ टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स आपको सीखने मिली। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।